सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हम दोबारा खेलने जा रहे हैं पैल वॉर। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हमने जेट ड्रैगन का सैडल बना लिया, उसके बाद ऑर्कसॉर्ट से फाइट किया और वहां पर हमने जीत हासिल कर ली। उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो गया। तो आज मैं सोच रहा हूँ भाई, बड़ा बड़ा पैल के साथ फाइट तो हमने करा लिया, मतलब अपने बड़े बड़े पैल के साथ दूसरे बड़े बड़े पैल को फाइट करवा लिया, लेकिन छोटे पैल के साथ हमने अभी तक फाइट नहीं करवाया। तो यहाँ पर मैंने लेवल बढ़ाने के लिए अपने पास ले लिया है कौन कौन सा पैल को, चलो यहाँ पर जाके देख। तो ये हो कि इसका तो भाई लेवल क्या ही बढ़ाना है, ये म्याओ हो गया, उसके बाद कैटिवा एक्स के बाद हो गया फॉक्स पिक। तो ये तीनों का आज मैं लेवल बढ़ाने वाला हूँ। वैसे 43 लेवल ये हो गया, 46 लेवल और ये 43, तो इतना लेवल तो काफ़ी है, कम लेवल नहीं बोल सकते। अगर हम इसको मेमोरिस्ट के साथ भिड़ा दें तो क्या लगता है भाई, हमारा पैल जीत पाएगा या मेमोरिस्ट जीतेगा? वैसे स्टार्टिंग में ना सबसे खतरनाक पैल जो होता है ना वो होता है मेमोरिस्ट। मेमोरिस्ट से भिड़ना ना भाई मौत को दावत देना होता था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी के टाइम में ना मेमोरिस्ट मुझे बच्चा जैसा लगने लगा है, क्योंकि हमारा लेवल 50 हो चुका है, तो अभी किसी से डरने की बात ही नहीं है। तो आज वो यहाँ पर देखते हैं मेमोरिस्ट आया है नहीं आया है। ओके, मेमोरिस्ट कहाँ गया भाई? ओके, ये रहा हमारा मेमोरिस्ट। तो फाइट इसी से चालू कर देते, उसके बाद हम बाद में देखेंगे और कौन कौन सा पैल के साथ फाइट करवाया जाए। और भाई आगे हम कौन सा वीडियो बनाए वो भी कमेंट करके आप लोग बता देना भाई, किस टॉपिक में वीडियो बनाए पैल वर्ल्ड का, किसके साथ किसका फाइट करवाए, या फिर ऐसा कोई सीक्रेट लोकेशन वगैरह है वो सब कैसे होता है, वो सब मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे कि ये हो गया हमारा 50 लेवल तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी किसी बंदे का 100 लेवल भी दिखाता है यार, वो कैसे, वो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता देना, ठीक है? तो चलो आ जाओ, किसको भेजा जाए, फॉक्स पिक या कैटिवा? फॉक्स पिक, कैटिवा, म्याओ को भेजते हैं। म्याओ का स्किल हमने अभी तक नहीं देखा, आ जाओ भाई, चल मेमोरिस्ट म्याओ के साथ तू फाइट कर ले। वैसे मैंने ये कौन सा आर्मर पहन रखा है, कोल्ड रेजिस्टेंस नहीं पहनना है भाई, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेटल का पहनते हैं, ये लो। मेमोरिस्ट मारेगा? वैसे मेमोरिस्ट गुस्सा वाला आदमी नहीं लगता है भाई, स्टार्टिंग में लगता था, लेकिन अभी देखो कितना शांत बंदा है। इसके आगे चला जाता हूँ, कुछ नहीं करेगा, कुछ करेगा, कुछ करके तो बता, गोली तुरंत मार दूंगा मैं, एक शॉट ये खा ले पहले। चल मैं हो जाता हूँ, दिखा अपना जलवा बड़ा सा, देखो कितना पावरफुल है तू। ओए भाई ये क्या दिया भाई, भाई म्याओ म्याओ का बस का बात नहीं है भाई, ये म्याओ का बस का बात नहीं है, मैं समझ चुका हूँ ये बात। चलो फिर भी देखते हैं म्याओ कितना तक संभालती है, उसके बाद में भेजने वाला कैटिवा को। इसे म्याओ ने एचपी तो कम की, अरे भाई साहब ये तो, ये क्या नाम है, जेट ड्रैगन जैसा हमला कर रहा है भाई, लेकिन अटैक स्पीड जो है ना ये ज़्यादा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये थी भेज के आँख, बच गया मैं, बच गया बच गया। को खाना खिला देता हूँ फटाफट से, म्याओ मरना नहीं है, खाना खा ले तू, तेरा एसपी भाई 2600 है, 2600 कम एसपी नहीं होता है, इतने में मरना नहीं है। चलो थोड़ा सा मतलब 25% एसपी तो कम कर दिया। ये म्याओ का अटैक था क्या, एक टोर्नेडो वगैरह भी हंसता है म्याओ? रुको रुको, म्याओ को वापस बुलाता हूँ, और वापस से म्याओ जा ऊपर, कहाँ आ रहा है, मैं मार दूंगा साले, ऊपर मत आ भाई, टोर्नेडो ये सब फेंकता है म्याओ, पावरफुल है यार, जो भी बोलो मैं तो पावरफुल है। और ये दिया भाई, और म्याओ को भी दिया भाई, एक शॉट में म्याओ को किधर फेंक दे रहा है, ये क्या है भाई, ये कौन सा चीज है? इसका स्किल हमको सैडल बनाना पड़ेगा, सैडल तो हमारे पास है नहीं, सैडल होता तो कुछ स्किल था इसका यूज कर पाता। 8-9 का डैमेज दे रहा है, उतना खास तो डैमेज नहीं बोल सकते। अब देखो ये बड़ा वाला पैल जो है ना, इसके साथ छोटा को भिड़ा दोगे तो वो मार तो खाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, जीतना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना कंपटीशन दे रहा है ना वो भाई, वो बात है, वो बात गजब लेवल की है। इतना कंपटीशन देना छोटी मोटी बात तो है नहीं भाई, देखो देखो इतना मार खा के भी ना कंपटीशन दे रहा है बंदा। और भाई साहब मेरे ऊपर अटैक, अभी देखो मैं स्किल समझ चुका हूँ, तो को गन निकाल लेता हूँ, क्या पता मेरे ऊपर हमला कर दे तो 2-4 गोली मार दूंगा मैं भी। और ये मारा भाई खतरनाक सा शॉट, और दे 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 दे, और भाई 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 कितना खतरनाक तरीके से अटैक करता है भाई, लेकिन टाइम लंबा ले रहा है, कोई बात नहीं लंबा टाइम ले लो लेकिन मारो। अब तो लगता है बड़े बड़े फाइट है म्याओ को ही ले जाना पड़ेगा, म्याओ मर ही नहीं रहा है, देखो कितना खतरनाक है भाई ये चीज। अरे ये गलती हो गया भाई, मैं उधर देख रहा था, आग लगा दिया भाई, आग लगा दिया इसके ऊपर। तो चलो चलो म्याओ तो नहीं जीत पाएगा, इतना तो कंफर्म है भाई, म्याओ को जीतना ना नेक्स्ट टू इम्पोसिबल है। देखो इसका एचपी गया, फुल गया,
मैं वो नहीं जीत पाएगा, डेंजर। और यहाँ पर फॉक्स पिक को भेजो ना, फॉक्स पिक पूरा संभाल लेगा, पूरा संभाल। अबे मेरे पीछे आ रहा, तेरी भेज किया, अबे तेरी भाई क्या किया इसने, ये कौन सा अटैक किया, मेरा शील्ड ही तोड़ दिया इसने एक शॉट में। चलो मैं वो संभालेगा भाई, लग तो रहा है 900 SP, अरे संभालेगा, मैं वो मार देगा। चल मैं वो थंबनेल में, अगर तूने मार दिया तो थंबनेल में तेरा फोटो आएगा, अगर नहीं मारा तो नहीं आएगा। क्या फोटो चाहिए या नहीं चाहिए, मैं वो कमान, यू कैन डू इट। SP वो जा रहा है, मैं वो संभल के। क्या कर रहे हो पांडे जी, मेरे ऊपर अटैक क्यों करते हो, मेरे ऊपर अटैक करोगे मैं भड़क गया तो तुम्हारा चटनी बना दूंगा यहीं पर। जेट ड्रैगन तो तेरी साना भाई, मेरा SP खा गया ये, रुक जाओ खाना खाने दो पहले, अभी मैं पीछे देखने ही नहीं वाला। चलो ये मेरे ऊपर अटैक करता है तब तक मैं होगा SP हील हो जा रहा है। वो हीलिंग पावर भी इसका खतरनाक है भाई, जो भी बोलो बढ़िया जल्दी हील कर रहा है उसको। चलो लगता तो है मैं वो खत्म कर दे, ओ भाई खत्म खत्म है भाई खत्म। चल 114-155 का SP बचा है तो मेरे ही, मार ले, हाँ ठीक है मार ले। चल ऊपर जा अभी। ओ गाइज यहाँ पर फाइनली मैं ने मेमोरेस्ट को मार दिया है, तो चलो अभी घर की तरफ चलते हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अभी घर की तरफ चलो और आपको मैं कल होम टूर देने वाला हूँ। तो भाई आज का वीडियो इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था यार इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है छोटी मोटी बात। चलो यहाँ पर आके आग पहले जला लेते, रात का समय आग जल जाए तो बढ़िया बात है, मैं सो जाता हूँ। ओके तो गाइज गुड मॉर्निंग, अगला दिन हो चुका है। तो ये रहा मेरा प्यारा सा छोटा सा रूम जहाँ से मुझे बढ़िया व्यू मिलता है। इस साइड से देखो चारों तरफ का व्यू मिल रहा है, चारों तरफ नहीं एक ही तरफ का इस साइड से मिलता है, और ये कोने से भी एक व्यू मिल रहा है जो कि ब्लॉक है, कोई बात नहीं। और यहाँ से जो है हम थोड़ा बहुत अपना प्याल वगैरह को देख सकते हैं, क्या काम कर रहे हैं लोंडे, भड़क भड़क तो नहीं गए। और इस साइड है मुझे एक खिड़की देना चाहिए था लेकिन मैंने यहाँ पर दिया नहीं, क्योंकि मैंने एक घर ही इस तरीके से बनाया ना, उस साइड में अगर देवी देता तो ये ब्लॉक कर देता, कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने छोटा सा स्टोरेज एरिया बना रखा है जहाँ पर हम पूरा सामान वगैरह स्टोर करेंगे, और प्याल वगैरह जो बाहर में सोता था ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना सब लोग अंदर ही जाके सो जाए। तो मैंने सभी प्याल के लिए अंदर ही मतलब क्या बोलते हैं बेड वगैरह बना दिया। तो ये हो गया हमारा सामान वगैरह बनाने के लिए, ये हो गया हमारा कौन सा भाई क्या बनता है, ये प्रोडक्शन असेंबली है जिसमें हम हथियार वगैरह बना सकते हैं। और ये डियर यहाँ पर बहुत दिनों से काम कर रहा है, कितना लकड़ी इकट्ठा किया इसने देखने दो, 1700 बढ़िया बात है। और ये हो गया हमारा आयरन फार्मिंग, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैंने सबको लगा रखा है आयरन माइनिंग करते रहो, आयरन का कमी होना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बारी आयरन का बहुत ज़्यादा कमी हो गया। तो यहाँ पर 3000 आयरन हमारे पास है, अभी कमी होता है तो भाई क्वार्ट्स का, और दूसरा हो गया हमारा क्या बोलते उसको कोल का, नहीं कोल, हाँ कोल ही है। और ये हो गया हमारा स्टोन माइनिंग, और यहाँ पर हमने बड़ा सा कंटेनर बना के रखा है जहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हैं हम लोग, जो कि पूरा का पूरा खाली है, हमने सामान वगैरह चारों तरफ भर के रखा है। तो यहाँ पर खाना मैंने पकने के लिए डाला था भाई 400 खाना, ओ माई गॉड मस्त है, चलो बढ़िया बात हो गया। और ये हो गया हमारा ब्रीडिंग फार्म, तो यहाँ पर दो लोग जाएंगे अंडा देंगे, उसके बाद खतरनाक सा प्याल हम निकाल पाएंगे। तो किसको किसको मतलब ब्रीड कराया जाए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसको ब्रीड करवाएंगे। तो चलो गाइस, तो हमारा पूरा घर का टूर मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो आ जाओ क्यों ना हम एक बार फॉक्स पिक का फाइट देखिए, फॉक्स पिक और क्या नाम है भाई कोई आइस टाइप पैल को हम फाइट करवाने वाले। भाई साहब ये तो हाईली इफेक्टिव है, एक शॉट ही मार दिया, फॉक्स पिक बहुत ज्यादा पावरफुल है। चलो भाई बढ़िया बात है। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को मैप शो करा देता हूँ, दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई बचा तो नहीं है, वैसे पूरा का पूरा एरिया मैंने एक्सप्लोर करा नहीं है। देखो ये टावर एक बचा है, इसमें जाके हम अटैक कर सकते हैं, और एक यहाँ पर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। भाई ये कौन सा प्राणी है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये मेरे हाथों से कैसे बच गया। चलो 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 भाई, वीडियो अभी ख़त्म नहीं होगा भाई, उसको मारेंगे, नहीं ना भाई दूसरा एपिसोड में मारेंगे। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते रहिए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दूसरा एपिसोड हम उसको मारेंगे, आप लोग तैयार रहना ठीक है।